नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग सबको। क्या हाल है सबके? तो यार आई नो 4-5 दिन के बाद डल रही वीडियो, बट थोड़ी तबीयत वगैरह का इशू था, तो वो मतलब आज जहाँ तबीयत सही हो रही थी ख़राब हो रही थी वही वाला सीन चल रहा था। तो फिर मैं कुछ दिन लाइब्रेरी नहीं जा रहा था, अपने रूम पे जितना पढ़ पा रहा था पढ़ रहा था, और सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मतलब पढ़ाई वाली तरफ डाइवर्ट कर रहा था, वीडियो एंड ऑल एडिटिंग एंड ऑल इस पर नहीं डाल रहा था। आज वापस लाइब्रेरी निकल रहे हैं तो मैंने कहा चलो करते हैं, पर हाँ मैं अब थोड़ा सा हर दिन की या 2-3 दिन के गैप में तो नहीं, बट हाँ हफ्ते में 1-2 डालने की ट्राई करूँगा, बिकॉज एडिटिंग डू टेक्स टाइम। तो फिर नहीं तो वो वाला टाइम रिवीजन पर कोई किसी ने बोला भी था, मेरे मन में भी था, तो मैंने कहा हाँ यार बात भी ठीक है, तो उसी हिसाब से चलेंगे आगे। तो फिर चलते हैं जी, रेडी होते हैं। एक चीज़ है जिस पॉइंट ऑफ टाइम है ना, बहुतों को सेकंड थॉट्स आ रहे होंगे पेपर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हर किसी को आते हैं, टेंशन नहीं लेना, सिलेबस किसी का नहीं खत्म होता, अगर साल भर तैयारी करी है ना दे देना, ये मत सोचना अटैम्प्ट वेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, 6 अटैम्प्ट सबने देने आए, जिसने देने ही हो वो तो एक बार इले सोचे भी, लेकिन कभी कोई तैयार नहीं होता दे देने, मेहनत करो बस, वही 80 दिन से ऊपर पड़े हैं हो जाएगा पेपर, टेंशन ना लो, बी पॉजिटिव। चलो जी फिर मारते हैं अपन एंट्री लाइब्रेरी में, और सबसे पहले तो यार अपन को अपने हनुमान जी की एक बार तो याद रख आती है ना, तो उनसे शुरुआत करते हैं और अपना टाइमर कर देते हैं उसके बाद ऑन। तो पहला सब्जेक्ट जो अपन इस बार उठा रहे थे ना आज वाले दिन के लिए, वो मैंने रखा हुआ था इकोनॉमिक्स। अब क्या है ना कि इको की आ रखी है अपनी वो पीटी, तो मैंने मंथली मैगजीन्स यार बीच में कर रहा था, मतलब मैं वैसे मंथली मैगजीन्स वाला हूँ, लेकिन मेरे एक्सीडेंट की वजह से फिर मेरा गैप लग गया था, तो इस बार मैंने कहा चलो पीटी से ही करेंगे। तो पीटी आ रखी है तो वो कंप्लीट हो जाएगी मेरी, थोड़ी सी बिल्कुल रह गई है, तो तब तक पहले एक बार स्टैटिक को वापस से रिवाइज़ करते हैं। देन वी टुक अ ब्रेक अराउंड आफ्टर 3 hours and 44 minutes। यहाँ देखो मेरी एक्टिंग में कह रहा हूँ चलो चलते हैं, लाइब्रेरी में बोल नहीं सकते क्योंकि फिर एहसास को मैंने कहा चल यार थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं, तो कहता चल भाई चाय पी के आते हैं, मैं थोड़ा डिस्कशन वगैरह करा लाइफ के बारे में, नॉट अबाउट दिस। देन अगेन स्टार्टेड, और फिर देखिए अपन ने द हिंदू की एनालिसिस, मैंने बोला था ना पीटी बिल्कुल हल्की सी रह गई थी, तो आखिरी के 2 पेज के आसपास रह गई थी, मैं कहा इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। पीटी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ स्टैटिक, सो ध्यान रखना स्टैटिक को बार बार मत लिख लेना, कहीं लिखते जाओ उसको सिर्फ ऐड अप कर लेना अपने उसमें करंट में। तो जी अब तो दीपक सर चले गए घर, तो अपन का यहाँ चलना पड़ रहा अकेला, कहा चलो चलें भाई साहब, पीछा कर रहे हो तुम तब से, जान दो। तो जी दीपक को तो निकलना पड़ा था घर क्योंकि उसका कुछ कॉलेज ने ना पहले एग्जाम्स नहीं लिए थे, समथिंग जेनरिक पेपर करके कुछ था, तो अब वो देने गया था, बट किस्मत ख़राब होगी कि जब जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पे कुछ वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस वगैरह समथिंग, इलेक्शंस नहीं प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उस साइड धनबाद साइड का नहीं कहाँ, तो उनके पोस्टपोन कर दिए फिर एग्ज़ाम्स, तो उसका भी यार थोड़ा टाइम वेस्ट ख़राब हो गया, बट चलो वो भी अपना कोप करेगा यार, घर पे पढ़ ले सही कुछ भी करे, तो देखते हैं क्या बनता है उसका जब वो आएगा। तो अपन भी अकेले चाय पीने निकलते हैं क्योंकि अभी एहसास अपना पढ़ रहा था, वो अभी रूम पे पढ़ रहा है, एक क्लास है उसकी, मैंने कहा चल भाई तू अपना कर लेगा, हम अपन अपना कर लेते हैं आज, इको को कम्प्लीट करिए, अब पीटी को इको के नोट्स के साथ ऐडअप करना ताकि वो करंट के हिसाब से पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाए, और यही कर लेना यार क्योंकि पीटी में ना बहुत स्टैटिक है, मैंने पहले ही बोला, तो स्टैटिक को लिखने की लोड नहीं है, बार बार पढ़ने की लोड नहीं है, एक बार आपने गो थ्रू करी पीटी जो आपको डेटा रखना है या फिर कुछ कुछ रीसेंट चीज़ें हैं उसको मार्क कर लिया, देन व्हाट यू कैन डू इज़ उसी चीज़ को सेग्रीगेटेड फॉर्म में तो ही है पीटी, ऐसा तो है नहीं कि वैसे है नहीं, अलग अलग टॉपिक्स फिस्कल पॉलिसी बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग वगैरह अलग अलग करके तो ही है, तो फिर उसमें आप आराम से जाके कर सकते हो ऐडअप, तो कर लेना उसको। तो अगर एक बार पीटी पढ़ ली तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 1 घंटा लगेगा, अगर आपके नोट्स में आपने सेग्रीगेटेड रखा है टॉपिक टॉपिक वाइजेज हैं तो फिर टॉपिक वाइज है मतलब, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो हो जाएगा भाई साहब, फिर आ गया डेंजर एरिया, ये भी गजब जगह है भाई साहब। ठीक है फिर अब चाय पी के निकलते हैं वापस, कंटिन्यू करेंगे अपना काम है ना, आज तबीयत सही हुई है तो तगड़ा काम करना।
ठीक है जी, अब चलते हैं रूम। अराउंड 8 घंटा लाइब्रेरी में होगी है, तो 12 में से 8 4 घंटे एक्स्ट्रा निकले हैं, इनको 3 करेंगे तो 9 यहाँ, और 3 करना पड़ेगा मतलब, और 1-2 घंटे मैं 2 घंटे के आसपास अभी रूम पे पढ़ लूँगा। थोड़ा खाने के बाद इसी बहाने रूम तक भी वॉक हो जाएगी, थोड़ा खाना बच जाएगा। तो जी अब करेंगे आगे, अभी मॉडर्न का आगे का उठा लिया मैंने, क्योंकि मैं मिक्स पढ़ रहा हूँ यार, एक सब्जेक्ट कॉन्टीन्यूटी में पढ़ना ना थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, रिपीटेटिव लगता है, तो मॉडर्न देखूँगा थोड़ी। देन ज्योग्राफी का एक हमारे अलग अलग टीचर्स थे, एक ही सब्जेक्ट के 4-5 टीचर्स भी थे कई कई सब्जेक्ट्स में, तो उनका दूसरे टीचर का पढ़ूंगा। अब रूम निकलते हैं। ओके हाँ जी, तो यारो अगर तो देखो किसी ने अभी तक हिस्ट्री को नहीं उठा रखा, तो फिर अब यूँ ना करना कि एंशियन मेडिवल वगैरह सारा कुछ करूँ, पहले एक बार ना जस्ट PYQs को देखना कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्लस किस वेटेज पे पूछे जा रहे हैं। तो मॉडर्न को पहले उठा लेना, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, एंड देन बाकियों को देखना, है ना, तो ये बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जी अब हो रहा है 10, अब 10 बज रहा मतलब, तो हमने सुबह उठना है, और टाइम हुआ है अपना 10 पे हो जाता है यार, टाइम था, पर मेरी ना आँखें दर्द हो रही थी, और मेरी जो आई ड्रॉप है वो रह गई थी लाइब्रेरी, तो इसलिए अभी ले रहा हूँ, नहीं तो ठीक है यार सुबह उठना भी होता ना टाइमली, उठ जाएंगे, मतलब 10 आवर्स का इशू नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। तो जी ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना है सबने, चिल मोड ऑन, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, नहीं तो जो पढ़ोगे वो भी नहीं होने वाला, और ध्यान रखो सारे, रिवीजन पे ध्यान लगाना है, दाबू ध्यान। फिर मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, थोड़ा लेट आएगा क्योंकि यार अब थोड़ा सा फोकस्ड हो रहे हैं, और कुछ काम पड़ गया तो मेरे को घर भी निकलना पड़ेगा, बताऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में कि घर भी जाना पड़ रहा है मेरे को, तो होता है सबके उसमें, जैसे दीपक का भी हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही चीज़ में आप लगे रहते हो, लाइफ है, बहुत चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन होती है, आती रहती है बीच बीच में, तो चलो कोई ना, लेट्स मीट इन नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट।